अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पाक हैकर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप GTA San Andreas के अंदर जेट पैक पे वेपन किस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने जेट पैक के अंदर वेपन किस तरह ऐड किए तो आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिए। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको दो फाइल्स की जरूरत पड़ेगी, एक इमेज एडिटर और एक वेपन ऐड करने वाली क्लू की। सबसे पहले आप वेपन ऐड करने वाली क्लू एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस तरह का एक फोल्डर आ जाएगा आपके सामने, आप इसको ओपन करें। इसके सामने तीन फोल्डर आएंगे, एक क्लू का, एक जेट पैक मॉडल्स का और एक मॉडल्स का। सबसे पहले आप क्लू वाले फोल्डर को ओपन कर लें, उसके अंदर इस तरह की तीन फाइल्स होंगी। इन तीन फाइल्स को आप कट या कॉपी कर लें। मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली आप GTA San Andreas के फोल्डर में जाएं, वहाँ से क्लू के फोल्डर में जाएं और वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। मैं जैसे इसको यहाँ पे जहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये मुझसे पूछ रहे रिप्लेस द फाइल, मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ था तो यहाँ से मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, तो एक फोल्डर कंप्लीट हो गया हमारा। अब बचे दो फोल्डर, जल्दी से दूसरे फोल्डर को ओपन करते हैं यहाँ से। अब जल्दी से यहाँ से मॉडल वाले फोल्डर को ओपन करते हैं, वहाँ से TXT फाइल में जाते हैं और यहाँ से इस फाइल को कट या कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब आपने GTA San Andreas के फोल्डर में जाना है, वहाँ से मॉडल्स के फोल्डर में जाना है, वहाँ से TXT के फोल्डर में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं जैसे इसको पेस्ट करता हूँ, ये मुझसे पूछ रहा है रिप्लेस द फाइल, मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ था तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया। अब बचा तीसरा फोल्डर जो कि हमारा लास्ट फोल्डर है, जिस तरह की दो फाइल्स होंगी। इन दो फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको इमेज एडिटर को एक्सट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो इमेज एडिटर एक्सट्रैक्ट हो गया, इसको मैं जल्दी से अब ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। सिंपली आप फाइल्स पे क्लिक करें, यहाँ से ओपन के ओपन पे क्लिक करें और यहाँ से GTA San Andreas की यूजर फाइल में जाएं, वहाँ से मॉडल्स के फोल्डर में जाएं और यहाँ से GTA 3 को चूज कर लें। ओके, तो फ्रेंड GTA 3 अब ओपन हो गई है। यहाँ से आपने इस ग्रीन एरो पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करें। यहाँ से आपने सिंपली आप डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जहाँ पे आपने वो क्लू इंस्टॉल किया हुआ था आप उसको ओपन करें। यहाँ से इस जेट पैक मॉडल पे यहाँ से GTA 3 पे क्लिक करें, यहाँ से ये दो फाइल्स ओपन कर लें। जब ये ओपन हो जाए तो आप यहाँ से इस सेव बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ से ये सेव हो जाए, फिर आप इसको कट कर दें और सिंपली अपनी गेम ओपन कर लें। तो फ्रेंड मेरी गेम ओपन हो गई। अब सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टाइप करना है रॉकेट मैन। जैसे ही आप रॉकेट मैन टाइप करेंगे तो इस तरह का आपका जेट पैक आ जाएगा। इसमें कोई भी आपको गन वगैरह नहीं दिखेंगी। गन ऐड करने के लिए आपको कंट्रोल एम दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल एम दबाएंगे तो गन्स ऐड हो जाएंगी, ये देख सकते हैं गन। और सिंपली आप जो माउस के राइट क्लिक दबा के एम लेते हैं, उतना एम लेके आप इससे वेपन से गोलियां चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।